हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद यादवेश यादव। और सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी होली। और आज हमारा 10 तारीख को, 10 मार्च को सभी का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था, ग्रेड सी ग्रेड डी का। और अब कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है 2023 स्टेनो के लिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा, उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि सब बच्चे ही परेशान थे इस बार कि सेंटर बहुत दूर पड़ा था, मेरा था मेरठ, ठीक है। तो अभी मैं दे के ही जस्ट घर पहुंचा हूँ, अभी 7:30 बजे। थोड़ा जाम वगैरह दिल्ली का रहता है, तो अभी हम घर पहुंचे हैं। मैं वहाँ से निकला था अराउंड 4:30 निकल गए थे हम, थोड़ा खा पी के निकले, अब आते आते 7:30 बज गए। तो यार सबसे पहले तो कैसा गया एग्ज़ाम? तो एग्ज़ाम अच्छा था, बेटर था, काफ़ी बेटर था। इवन जो हमारा पहले हुआ था, जैसे कुछ बंदे बोल रहे थे तैयारी नहीं थी, सिर्फ उनको कठिन लगा, ऐसा नहीं था। सच में जेनुअनली प्रॉब्लम थी स्पीकर की पहले, ठीक है। तो ऐसा कुछ 20 दिन में इतना कोई तोप नहीं उखाड़ लेगा। तो जिसका अच्छा था उसका भी बहुत अच्छा गया है, और जिसका थोड़ा बहुत ख़राब भी गया तो उसका भी इस बार अच्छा गया है। बहुत क्लियर वर्ड्स थे, बहुत अच्छे से स्पीकर का साउंड था, ठीक है। ट्यूनिंग बहुत अच्छी की हुई थी। एक रूम में अराउंड सिर्फ हम 25-30 बच्चे ही थे, मतलब रूम्स छोटे थे, स्पीकर बेटर लगाए हुए थे। और जो डिक्टेशन थी वो थी पार्लियामेंट वाली, डेप्टी स्पीकर ऐसे करके, जो हम केसी में बेसिकली करते हैं कि मिस्टर वाइस चेयरमैन समथिंग, तो ऐसे ही वैसे ही करके था पार्लियामेंट का। और टॉपिक था एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है कि 65% पहले फार्मर्स थे, अब घटते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर ज़्यादा हो रहे हैं, एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं लोग। तो इन सब चीज़ों के ऊपर था, काफ़ी बहुत अच्छी डिक्टेशन बोली गई थी। 80 वाले में तो जैसे जिन बच्चों की अच्छी स्पीड थी वो तो उनके लिए तो ये था कि वो रुक भी जा रहे थे, मतलब इतना था बेटर, मतलब ईजिली लिख ले रहे थे। और जो वो भी थे ना, फ्रेजेस भी थे, वो बहुत अच्छे फ्रेजेस थे। इन ऑर्डर टू से दैट, जैसे ये फ्रेज़ हो गया छोटा सा, मतलब ईजिली बना सकता बंदा एक छोटे से वर्ड के अंदर ही, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थे। तो मेरे साथ में भी एक भाई बैठा था, तो मैंने उनका देखा काफ़ी अच्छा कर रहे थे वो। तो उनकी 130-140 स्पीड थी, रिपोर्टर के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन वैसे। तो वो भी बता रहे थे कि बहुत, मैंने देखा उनको इतने, कह रहे बहुत ईजी था। तो मैं तो खैर बेसिकली अभी मीडियोकर लेवल ही है हमारा, तो मेरे को भी लेकिन बहुत अच्छा लगा ये डिक्टेशन। ये तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था, देखते हैं बाकी ये कैसा रहता है। डिक्टेशन जो है वो हमारी बेटर ही गए, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली बात, इतना टाइम नहीं हुआ तो इतना कोई हवाबाजी तो है नहीं कि बहुत अच्छा ऐसे ही चले जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी डिसेंट था। मतलब ये था कि यार जो तैयारी की वो वर्थ थी। पहले तो ये था कि तैयारी जो 4-5 4 महीने दिए भी हैं उसमें ऐसा लग रहा था कि यार बिल्कुल वेस्ट हो गया, कुछ तो कुछ हो ही नहीं पाया, इतने वर्ड्स छूट गए। लेकिन इस बार काफ़ी फिर भी सेटिस्फैक्ट्री था। और कुछ नहीं, बाकी ये तो पता ही था हमको, अगर इतना ऐसे ही होने लग जाए तो भाई हर कोई मुंह उठाएगा और बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक जरूर सीखने को मिली चीज़ कि आपके पास जितना भी टाइम है, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करो, अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। अब जैसे टारगेट 2023 है, उस पर फोकस करो। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, साल भर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आखिरी के 6 महीने उठ के हम तैयारी शुरू करेंगे, कंटिन्यूसली करते रहो। स्टेनो की स्पीड अभी से अगर हम करते चलेंगे तो बहुत अच्छी हमारी आगे चल के हो जाएगी। और जैसे कि आप सभी ने देखा भी कि इस बार सिर्फ 3 महीने दिए थे स्किल के रिगार्ड लिए, है ना। तो इसलिए आगे भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2023 अभी 2024 से पहले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में समझो वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है। 4000+ वैकेंसी इसमें आई है, मैंने जैसे पहले बताया भी था, ठीक है। कुछ कुछ बंदे बोलते हैं इतनी थोड़ी आएगी, 2600, 3000, 3300 तक रहेगी, लेकिन देखो 4100 तक आ गई है, ठीक है। तो 2023 में भी आएगी अच्छी खासी वैकेंसी। तो ऐसा मत सोचना कि सब इसी में दे देने, उसमें नहीं देंगे, इतने वो भी बेवकूफ़ नहीं है। तो अभी 2023-24 तक इलेक्शन तक जितने भी पेपर आ रहे हैं ना, सब में अच्छे से मेहनत करो, सब में अच्छी वैकेंसी आने वाली है। ये सिर्फ स्टेनोग्राफर की बात नहीं हो रही है, GD ले लो, SSC के जितने भी होते हैं, CPO ले लो, CGL ले लो, CHSL ले लो। कुछ बच्चों का CHSL का भी एग्ज़ाम था, उनसे भी इनका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था। आज दोनों जगह पर एग्ज़ाम कुछ कुछ बच्चों के पड़े थे, तो उनका तो सीधा था कि भाई मेल वेल डालो, अगर कुछ सुन लेंगे ये लोग तो। क्योंकि बात ये कि ये खुद बहुत ज़्यादा जल्दी में चीज़ें कराने को, जितने ज़्यादा पहले बच्चे होते थे कि जल्दी SSC जल्दी करे जल्दी करे, अब ये इतनी ज़्यादा जल्दी करे कि बच्चे खुद कह रहे हैं यार थोड़ा तो रुक के चलो। तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए भाई। कोई भी बंदा मेहनत करे तो उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए कम टाइम में, अच्छे टाइम में, ठीक है। ऐसा ना हो कि 22 की उम्र में तो पेपर दिया, रिजल्ट आते थे 26-27 का हो गया। तो बहुत अच्छा है, चलते रहना चाहिए, सिर्फ एक दो की बात नहीं है, हमें इनको पूरे सब लोगों को लेके चलना चाहिए और चल भी रहे। तो बाकी अब कल से हम स्ट्रेटजी अपने बात करेंगे 2023 के लिए, कैसे क्या स्ट्रेटजी रखनी है SSC स्टेनो के रिगार्डिंग, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, GK के लिए, कैसे क्या क्या सब्जेक्टिव हमें स्टडी करनी है, उन सब चीज़ों के ऊपर आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी दोबारा समराइज़ करो अगर पूरी वीडियो को मैं, तो सबसे पहली बात, स्किल बहुत बेटर था, काफ़ी बेटर था। KC का ही मैटर उठाया गया था, पार्लियामेंट्री का ही था बेसिकली, मतलब
और वर्ड्स भी इजी थे, फ्रेजेस भी इजी थे, कोई ऐसा वर्ड मेरे को नहीं लगता कि ऐसा था कि जो कभी सुना ही ना हो। मैक्सिमम सब वर्ड्स लगभग सुने सुने थे, एक आधा कोई होगा तो चल इतना होना भी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। दूसरी बात ये कि ठीक था, मतलब स्पीड भी डिसेंट थी, फ्लक्चुएशन नहीं था ज़्यादा, नॉर्मल स्टेबल चल रहा था, अच्छे डिक्टेशन बोली गई। हाँ बस ये दिक्कत थी कि दूर बहुत था, जो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आई होंगी। अपने अपने सेंटर कहाँ थे आप सभी के, वो जरूर कमेंट बॉक्स में करो यार, ताकि देख रहे कुछ कुछ बच्चे तो बोल रहे थे कि दिल्ली में रहते हैं लेकिन जम्मू जम्मू सेंटर पड़े हैं, तो प्लीज़ एक बार मेंशन जरूर करना कि कहाँ कहाँ उत्तराखंड जम्मू कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर पड़े हैं, ठीक है बताओ। और वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को अपना प्यार देते रहो यार, सब्सक्राइब जरूर करो, अपने सभी दोस्तों को भी भेजो, जो भी आगे MTS वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी हम मैटर डालते रहेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।